प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में जिस टी स्टॉल के चा बेची सी सरकार वालों हुण उस दुकान नूं एक सैर सपाटा स्थान वजों तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी अनुसार गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नूं पहचान दिवाउण दे उद्देश नाल गुजरात सरकार ने साल 2017 विच ही इस टी स्टॉल नूं सैर सपाटा केंद्र वजों विकसित करन दा फैसला किया सी। यह दुकान वडनगर के रेलवे स्टेशन से स्थित है। दरअसल सरकार इस टी स्टॉल के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में कोई बदलाव नहीं करेगी बल्कि उसे उसी हालत में रखा जाएगा जिवें वह पहले के समय में सी। सूबे के सैर सपाटा मंत्री प्रहलाद पटेल तो इस टी स्टॉल का सर्वे भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे दौरान अधिकारियों इस टी स्टॉल के रवायती रूप में बनाए रखने के लिए यत्न करने के निर्देश भी दिए। सरकार इस टी स्टॉल को शीशे में कवर करेगी ताकि इसकी पहले वाली हालत को उवें जिवें बरकरार रखा जा सके। दो हज़ार 2014 दीआं लोकसभा चोणां मोदी ने अपने भाषणों में चाह वेचण का जिक्र किया सी जिसका विरोधियों ने जम के मजाक उड़ाया सी। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने तां इत्थों तक आख दिता सी कि मोदी 21वीं सदी में कदे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकणगे, जेकर उह चाहुण तां संसद भवन नेड़े चाह वेच सकदे ने। कांग्रेस के इस बयान नूं भाजपा ने वड्डा मुद्दा बना दिता सी। भाजपा ने इस मगरों चाह ते चर्चा अभियान भी शुरू कर दिता सी। दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं कि उन्होंने बचपन गरीबी में बीतया है और उन्होंने गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन से अपने पिता के नाल चाह वेचण का काम भी किया है। भाजपा ने मोदी के इस बयान का चोणों दौरान काफ़ी फायदा भी मिलिया। देश के ज्यादातर चाह वेचण वालों का गुजारा भावें मसा ही खिच टू के चलता होगा पर सरकार वालों इस एक दुकान की संभाल लई जरूर करोड़ों रुपए खर्च दिए जाएंगे। अजिहा करके भाजपा इसका लंबे समय तक सियासी लाह लैन ब्योतबंदी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।